हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज़ियोन। सो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर का टाइटल है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं इसका मतलब समझ लेते हैं। समझिए इधर ध्यान से बच्चों सब लोग, वेरिएबल ये क्या होता है? वेरिएबल जो हम किसी भी इक्वेशन में यूज करते हैं जैसे कि एक्स या वाई या जेड या जो भी नाम हो टी, तो ये जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं ये हम अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और जो भी रिलेशन दिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये चीजें रिपीट होंगी, तो जो भी रिलेशन दिया होता है उन अननोन क्वांटिटीज के बीच में उसी रिलेशन को हम लिखते हैं लेकिन एक्स वाई जेड यूज करके, और फिर हम उन इक्वेशंस की मदद से इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं वो अननोन क्वांटिटीज को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अगला जो कंसेप्ट है इसमें समझने के लिए लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? इसके पहले आपने अभी अभी चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा डिग्री। तो जो भी वेरिएबल है अगर उस वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे, अगर डिग्री 3 है तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर का मतलब यह हुआ कि जो भी पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा 1 होगी। पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। इक्वेशन का तो मतलब आपको पता ही है, इक्वेशन का मतलब होता है बेसिकली अ रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय वेरिएबल्स या अननोन्स, ऐसे कह सकते हैं। तो कोई भी रिलेशन जो कि वेरिएबल्स आपस में सेटिस्फाई करते हैं उसको कहते हैं हम इक्वेशन। और पेयर का तो मतलब आपको पता ही है, जोड़ा। तो दो इक्वेशंस, टू इक्वेशंस। तो अगर हमको टू इक्वेशंस दे रखी हैं वेरिएबल्स के टर्म्स में और उस इक्वेशंस में वेरिएबल की पावर हमेशा 1 रहेगी और वो एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे जो अननोन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसा जब सिस्टम हमको दिया रहता है तो उन हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की मदद से अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी तो वही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होगा। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 3 चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1 कि जो भी रिलेशन हमको दिया है क्वेश्चन में उस रिलेशन को यूज करके हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन को आपने फॉर्म कर लिया तो अब उन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, कुल मिला के 3 मेथड होते हैं। तो उन मेथड्स को यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे और उन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये कुल मिला के 3 चीज़ें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन इक्वेशंस, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, देन सॉल्विंग द इक्वेशंस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। इनमें से आप किसी भी चीज़ को पहले सीख सकते हैं, बाद में सीख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये चीज़ें एक एक करके सीखेंगे और थोड़ा सा और इन सब के बारे में समझेंगे कि ये होती क्या है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सबसे पहला कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो फॉर्मेशन, इक्वेशन को बनाना, देखिए बच्चों इस बात को समझिए, जो भी आपको इक्वेशंस में यानी कि कुल मिला के जो भी आपको कंडीशंस दे रखी हैं, कोई भी कंडीशन आपको दे रखी है आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अननोन को वेरिएबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करके। उन कंडीशंस को लिखने के प्रोसेस को ही कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 4 इरेजर्स इज ₹20, तो अब इस ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को आप इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू वाई। तो ये आपने देखिए अननोन्स को आपने वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट कर दिया, सबसे पहला काम। अब जो चीज़ें हमको दे रखी हैं उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल्स और 4 इरेजर, इनकी टोटल कॉस्ट है ₹20। तो हमने मान लिया है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स, रुपीज़ भी कह सकते हैं इसको टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट है बेटा एक्स, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, उसी को कहते हैं 5x।
और एक इरेजर का कॉस्ट है वाई रुपीज, तो फोर इरेजर का कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 4y, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। अलग अलग सिचुएशन दे रखी होती है तो सबसे पहली चीज़ ये सीखनी है कि इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं। तो जैसे एक कंडीशन दे रखी है, एक इक्वेशन बन गई। अगर मान लीजिए एक कंडीशन और दे रखी होती तो एक इक्वेशन और बन जाती। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दो लीनियर इक्वेशंस आ गए दो वेरिएबल में, तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम तरीका सीखेंगे। ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई। इसके और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं बच्चों आप कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो सॉरी इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज आपका 3.1। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है, 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मान लीजिए आफ्ताब की उम्र अभी, लेट, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, देखिए अभी 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप सीख जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। डिजिट वाले क्वेश्चंस आएंगे, एज वाले क्वेश्चंस आएंगे, कॉस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, अभी एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट आफ्ताब एज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टुडे, मतलब आज की डेट में आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं एक्स, और डॉटर एज उसकी बेटी की उम्र मान लेते हैं वाई। तो अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करिए। तो आफ्ताब ने कहा 7 साल पहले, तो आप हेडिंग डाल दीजिए 7 years ago। 7 साल पहले बच्चों आफ्ताब की अगर आज डे उम्र एक साल है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस 7। और डॉटर की एज क्या रही होगी बच्चों, ये रही होगी वाई माइनस 7। ठीक है, तो ये क्या, अब जो कह रहा है उसको कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी, 7 गुना ज्यादा थी। तो बेटा यही कंडीशन को मैथमेटिकली लिख देंगे कि एक्स माइनस 7 क्या है, वाई माइनस 7 का 7 गुना है। तो अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 3 और एक नंबर है ये कहे कि तुम, एक नंबर है सपोज करिए 21, ये कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगला नंबर जो भी है एक्स, उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 21/7, 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 जो है, 21 जो है 3 का 7 टाइम्स है, तो अगर 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 21 जो है x का 7 टाइम्स है, तो अगर x में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर हो गए, तो x आ गया 3। तो आप देख सकते हैं 21 जो है 3 का 7 टाइम्स है। तो बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ यूज़ कर रहे हैं बच्चों। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज मेरी बेटी की एज से 7 times थी। तो बेटी की एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्ताब की एज और बेटी की एज बराबर हो जाएगी। 7 times डॉटर एज इक्वल टू आफ्ताब एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 49। 7y को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस 7y, माइनस 7 को इधर ले जाएंगे, 7 - 49, या एक्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसको देखते हैं। तो आफ्ताब कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, सो 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा बच्चों, आफ्ताब एज क्या होगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आज की तारीख से 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र 3 साल हो जाएगी, एक्स प्लस थ्री हो जाएगी। और डॉटर की एज क्या हो जाएगी बच्चों, डॉटर की एज हो जाएगी वाई प्लस 3। तो अब ये कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि अब मेरी उम्र तुमसे 3 गुनी होगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस थ्री ये बराबर होगा 3 टाइम्स y प्लस थ्री के, क्योंकि बेटी की उम्र है y प्लस थ्री और आफ्ताब की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुनी है, तो 3 टाइम्स डॉटर एज हो जाएगा आफ्ताब का एज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, तो y को इधर ले आएंगे बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो देखिए इस तरीके से हम इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन को बनाया जाता है। अलग अलग सिचुएशंस में अगर आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग सिचुएशंस का, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि इक्वेशंस किस तरीके से फॉर्म की जाती हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, इन्होंने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीस में खरीदे। काफ़ी सस्ते बैट रहे होंगे क्योंकि आजकल एक बैट ही 7-8 हज़ार रुपये का आता है। तो इन्होंने 3 बैट खरीद लिए और 6 बॉल्स खरीद ली, लेकिन इनको कुल खर्चा देना पड़ा 3900 रुपये का। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, मान लेंगे कि बैट का कॉस्ट है एक्स रुपये और बॉल का कॉस्ट है, ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बैट, एग्जैक्टली लिखना अच्छे से लिखा करिए ताकि वन एग्जाम में क्लियर रहे, कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्या कह रहा है कि 3 बैट, एक बैट का कॉस्ट है एक्स, तो 3 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 3x और एक बॉल का कॉस्ट है वाई, तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6y। इन दोनों का सम बराबर है 3900 रुपीस के। तो ये बन गई आपकी पहली क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बनी सिंप्लीफाइड ऑलरेडी। लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, तो एक्स प्लस 3y, इनका कॉस्ट कितना आया बच्चों, 1300 रुपये। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशंस। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सॉल्व करने का तरीका डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे अभी, खाली हम इक्वेशन को फॉर्म करना सीख रहे हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आई होप अब आपकी समझ में आ जाएगा कि इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। तो जो भी कंडीशन लिखी हुई है उसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, अननोन को वेरिएबल मान करके मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, तो वही कहलाता है इक्वेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो अगेन हमको दो चीज़ें दिख रही हैं, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू एक्स, और हम लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ये लाइन खींचने का मतलब है कि यहां से यहां तक आपको सेम चीज नीचे उतारनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट है x, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट होगा बेटा 2x, और 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो इन दोनों का सम क्या है, 160 रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बन जाएगी आपकी पहली क्वेश्चन। इस तरीके से लिखने का तरीका, इसके आगे डैश खींच के 1 लिख देते हैं, इसका मतलब ये पहली क्वेश्चन है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप इज रुपीज 300, तो एक महीने बाद क्या हुआ, कुछ चेंज आ गया परिस्थिति में। तो 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ये क्या बन गया, 300 रुपए हो गया। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ये इक्वेशन तो बन गई, ठीक है दो इक्वेशंस बन गए, इन इक्वेशंस को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं कि एप्पल और ग्रेप्स के दाम बढ़े हैं या घटे हैं। देखिए 2x प्लस वाई, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप का कॉस्ट था 160 रुपीस, अब क्या किया, 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स, इनका कॉस्ट है 300, तो क्या कॉस्ट बढ़ी है या घटी है, इसको आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए, इक्वेशंस क्या होती हैं थोड़ा रियलाइज करना सीखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका कॉस्ट घटा है, क्योंकि 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, इसका जस्ट डबल कर दें तो वही होता है 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो यहाँ पे भी डबल हो जाना चाहिए था, 160 का डबल होता है 320, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट 300 है, इसका मतलब है कि चीज़ें अब सस्ती हुई हैं, पहले महंगी थी अब सस्ती हुई हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को बना सकते हैं और इक्वेशंस को आप समझ भी सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमने सीखा कि हाउ टू फॉर्म अ इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा बच्चों।